जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि अभी फैमिली आई हुई है, अगर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो इसलिए ना डेली डेली वीडियो अपलोड टाइम भी नहीं मिल पाता है। और तो बस जिस दिन मतलब आए थे भाभी माँ, उस दिन सुबह का रात में आए थे। सुबह मैंने दाल बाटी बनाई थी और हलवा बना लिया था मीठे में, दाल बाटी लहसुन की चटनी और छाछ हलवा ये सब खाने में हो गया था सुबह। उसके बाद में वो ना चले गए थे, कहीं जाना था, मतलब को एक्सपायर हो गए तो बैठने के लिए, और रूही यहीं पे है और ये दोनों अभी टीवी में झुक रही है। और इनको मतलब बच्चों का ये है कि मोबाइल और टीवी देखने के बावजूद भी इनका खाना कंटिन्यू नहीं होता है, इनको फिर भी बोलना पड़ता है बार बार, मुँह चलाओ मुँह चलाओ मुँह चलाओ। तो इस तरह से झुकी हुई थी टीवी के अंदर, तो थोड़ी सी मनी क्लिप ले लेती। और ये रूही है, तो होता ही है ना कि जब मम्मा नहीं होती है तो बच्चे का मन नहीं लगता है, तो बस इसीलिए फिर मैंने जो है इसको मॉल ले गई थी। और वो साथ में इसलिए नहीं ले गई क्योंकि धूप है ना, अभी कितनी ज़्यादा धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो परेशान हो जाते हैं। और फिर बस के सफ़र में तो और ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े ही हो जाते हैं, तो इसलिए इसको यहीं रोक लिया था कि चलो शाम तक तो मम्मा आ ही जाएगी, रात तक तो वो मॉल ले गए थे। सामान लाना भी था, काफ़ी टाइम से रखी लिस्ट बनी हुई पड़ी थी, तो सामान लाना भी था, तो इन दोनों को ले गई थी मैं मॉल और सामान लेके आए। और सामान यहाँ भर रही हूँ मैं, दालें वगैरह सभी ख़त्म हुए, तो उसको भी मैंने काम पे लगा लिया था मेरे साथ में, ताकि उसका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाए। इसलिए तो दोनों जनी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसे आप बताइएगा आपकी जो है समर वेकेशन कैसे चल रहे हैं, कौन आया है कौन गया है। पीहर तो पीहर तो मेरा इस बार बहुत ही जाना हो गया था, मैं काफ़ी रह ली थी, भाभी माँ वगैरह आए हैं, इसको वीडियो में सामने आना बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए बोल भी रही थी बार बार मैं सामने आ रही थी। साथ ही में फिर इधर ना दूध बच गया था, अभी थोड़ा दूध ज़्यादा आ भी रहा है, तो मतलब काम भी नहीं आया था पीने वगैरह में, उठा नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो इसको आइसक्रीम ही जमा देते हैं। तो बस उसको कैरेमल बना के उस दूध को चढ़ा दिया था उसको लो फ्लेम पे, तो उसको बीच बीच में मैं मतलब उसको भी देखती रहूँगी, दूसरे काम भी होते रहेंगे, जम जाएगी और मतलब थिक सी हो जाएगी, तो उसको आइसक्रीम जमा देंगे, फ्रिज में रात भर पड़ी रहेगी। और फिर यहाँ पर बनाया था मैंगो शेक, पहले दो का ही बनाया था क्योंकि कोई आ गए थे एकदम से अर्जेंट में, तो दो मैंगो का मैंने उनके लिए मैंगो शेक बना के उनको दिया था। और फिर साथ ही मैं बना लिया दूसरा भी बना लिया, सारा ही बना लिया था, पहले उनके लिए बनाया फिर जितने भी आम थे सारा बनाया। तो बच्चे आम जो है मैंने बनाया, लेकिन बच्चों ने मैंगो शेक नहीं खाया, बच्चों को अधिकतर किसी को नहीं होता है पसंद। उसके बाद में मैंने मैंगो शेक बनाया ही नहीं, सब एक एक आम ऐसे ही खा लेते हैं शाम को बैठ के, रात को अच्छा भी लगता है परिवार के साथ में, इस तरह से प्यार बढ़ जाता है, एक साथ थोड़ा बैठना हो जाता है और खाना पीना हो जाता है। तो बस छोटा सा वीडियो जरा सा मैंने बनाया था।